दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित, आप सबके सामने। और आपको बता दूं, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले प्राइमरी लेवल पर लेवल वन के बारे में बात किया था, जो कक्षा एक से पांच तक था। अब हम बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया, जिसमें हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर होने वाली भर्तियों के बारे में। यानी यहाँ पर जो भर्ती होगी कक्षा छह से आठ के लिए होगी, यानी कक्षा छह से आठ तक के लिए। इन विषयों पर सीधी भर्ती के आमंत्रण स्वीकार किए गए हैं। जो टोटल वैकेंसीज है वो उनके बारे में आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर देखिए किन किन विषयों में वैकेंसी है। अध्यापक है लेवल द्वितीय, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सामाजिक अध्ययन और गणित और विज्ञान, सभी विषयों में लगभग भर्ती है। और काफी अच्छी भर्ती देखी जाए तो मैथमेटिक्स साइंस में काफी अच्छी भर्तियां हैं और अंग्रेजी में बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर काफी टोटल मिलाकर 13,865 भर्तियों के बारे में आपसे बात की जाएगी। अब इसके बारे में आपको मैं वो तो बता चुका हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना, कहाँ से कहाँ तक इनका डेट है, वो 10 से 9 तक चलेगा। और सबसे जरूरी बात है, हम ये जानेंगे कि इसमें क्या बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखो गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर के निवासी भी पात्र होंगे। नहीं, ऑल इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं तो आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास। और अभ्यर्थियों को बस आवेदन शुल्क समय से जमा करना होगा। और ये मैं आपको बताया था प्रारंभिक में भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि आवेदक द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में जो सबसे लास्ट वाला एप्लीकेशन होगा वही मान्य होगा, जो उसमें गलती होंगी वो मानी जाएंगी। और अगर आपने रीट एग्जाम दिया है तो आप उसकी डिटेल जरूर भरेंगे, वो बहुत अनिवार्य है, वो मैंडेटरी है। तो रीट की डिटेल आप जरूर भरेंगे, जो भी आपको यहाँ पर आपने अगर स्टार्टिंग में बैठे हैं। और जो भी फीस चार्जेस हैं बहुत ही नॉमिनल हैं, जैसे कि आपको जानते हैं कि 100 रुपये, 70 रुपये, 60 और 60 सिंपल फीस स्ट्रक्चर है। ज्यादा बड़ा फीस स्ट्रक्चर नहीं रखा है रीट ने। आपको सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSID क्रिएट करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी आईडी क्रिएट होगी। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट ऑनलाइन करना होगा और रिक्रूटमेंट पर जाकर रिक्रूटमेंट पूरा करना होगा। अपनी सभी प्रविष्टियों को सही से भरें, फोटो को देख के भरें, जिससे कि कोई गलती ना हो फ्यूचर में और कोई तरह का समस्या आपके सामने ना आए। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई सबसे जरूरी बात है कि भाई जो इसमें शैक्षिक अर्हताएं हैं वो क्या है, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए द्विस्तरीय के लिए क्या करना है, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष से डिप्लोमा, यानी अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री किया, आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने अगर बीएलएड किया हुआ है, आप एलिजिबल है। यानी पेपर वन में भी एलिजिबल है, पेपर टू में भी एलिजिबल है, या 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्नातक में 50%, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनके 50% बीए में तो नहीं है, ये ग्रेजुएशन में नहीं है लेकिन मास्टर में है और उन्होंने बीएड किया हुआ है, तो वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाउड हैं। 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड, यानी बीएड होना बहुत जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड जरूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता दंड द्वारा, जो है एलिजिबल है। या फिर अगर आपने बीएलएड किया है, 12th किया है, उसके बाद बीएलएड किया है, 4 वर्ष का डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 50% आपके अंक आए हैं और आपने 4 वर्ष से डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीए 4 वर्षीय इसके समकक्ष किया है, बीएस किया है, सीएड किया है, बीएड किया है, बीसीएड किया है, तो यू आर एलिजिबल। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आपने 1 वर्ष का बीएड किया है स्पेशली, यानी जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है। पहले 2 वर्ष का बीएड होता था, पहले 1 वर्ष का बीएड होता था, अब 2 वर्ष का बीएड होता है, तो अब जो पुराने बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एलिजिबिलिटी से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर जो भी, अब देखो यहाँ पर जो परीक्षाएं, ये सब बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन का होता है प्रॉब्लम, संबंधित विषय हेतु। अगर आप सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में से कम एक विषय के साथ स्नातक के समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करना हुआ चाहिए। यानी इसमें क्या है, ये सभी विषयों में कोई उसका एक विषय अगर उसके पास है, यानी अभ्यर्थी विकल्प विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, इनमें से कोई भी अगर उसके पास एक विषय है तो आप एलिजिबल है। तो यानी आप, ये तो एलिजिबिलिटी सबके लिए बन जाए क्योंकि ये सब्जेक्ट तो सभी के पास लगभग होते हैं। तो ऐसा फाउंडेशन नहीं है जो यूपी टीजीटी में या एलटी ग्रेड में रखा गया था कि 4 विषयों में से कोई दो होने जरूरी है। आपके पास कोई भी विषय हो इनमें से तो आप आसानी से
अपना कम से कम एक विषय के साथ अगर आपने स्नातक किया है तो आप एलिजिबल हैं। विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, प्रौद्योगिकी और जैव रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। के साथ साथ हम बात करते हैं अंग्रेजी अध्यापक के लिए अभ्यर्थी, तो भैया उसको वैकल्पिक विषय के रूप में तत्सम संबंधी अंग्रेजी विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य, नहीं उसने अंग्रेजी विषय उसके पास रहा हो किसमें, ट्वेल्थ में या फिर ग्रेजुएशन में, अगर उसने ग्रेजुएशन से अप्लाई किया है, ट्वेल्थ से किया तो ट्वेल्थ होना जरूरी है। हिंदी के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी विषय हिंदी के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना बहुत जरूरी है। संस्कृत के लिए संस्कृत में होना जरूरी है। उर्दू सभी भाषाओं में भाषा के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा बीएलएड, बी आर ये बी एएड, बीसीएड, बीएड स्नातक हूँ अर्थात 4 वर्षीय समर्पित पाठ्यक्रम की आदत रखने वाले कोई विद्यार्थी तत्संबंधी विषय के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है क्या क्या करना है। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा अगर आपने किया है एनसीटी से तो आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, तो अब आपको समझ में आई इनमें क्या है, तो आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा परेशान ना होइएगा। कॉम्बिनेशन के लिए स्पेशल एक वीडियो मैं अलग से लगा दूंगा। और जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष की बीच होनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं, 18 से कम नहीं, 40 से ज्यादा नहीं। तो इन वर्षों के बीच में आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत सुनहरा मौका है, 9 वर्ष की सौगात है। सभी लोग मजबूती से जुड़ जाओ और इसको मजबूत बनाओ और आसानी से अपनी जो तैयारी है उसको शुरू करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलूंगा मैं, सब्जेक्ट के साथ आपका पूरा बैच शुरू करेंगे और सब्जेक्ट के साथ देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने होंगे, क्या क्या विषय होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। तो उसके लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हैव ए नाइस डे। अच्छे से जगिएगा। पूरा नोटिफिकेशन मैं कनेक्ट भी कर देता हूँ नीचे, जिससे कि आप आसानी से इसको डाउनलोड करके अपनी स्टडी को शुरुआत भी कर सकते हैं और आसानी से आप अपनी जो तैयारी है उसको पढ़ सकते हैं। तो विशेष योजना अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, प्रोविजन क्या क्या है, तो ये सारी चीजें नीचे दी हैं। मेन मेन बातें मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को, वो मैं आपको पीछे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा हो तो दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ाएं और सेशन को आनंद के साथ पढ़ें और अपनी तैयारी में लग जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।